खेती का स्ट्रगल हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन एक खतरा का चेतावनी है। अगर हमारे देश में कहीं भी देखें खेती का सबसे बड़ा चैलेंज है हर मोड़ पर बढ़ता हुआ स्ट्रगल, जो कि बाढ़, सूखा, बीमारी कुछ भी हो सकता है। साथ ही है ज़्यादातर किसानों की इनकम में भारी गिरावट। जलवायु परिवर्तन कई खेती को बर्बाद कर रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल में धान की खेती हो या फिर महाराष्ट्र में कपास की खेती। इन सब में जलवायु परिवर्तन के कारण भारी समस्या से कई सालों से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन का हाल महाराष्ट्र के कई किसान एक विकल्प तरीके से निकाला है, जो कि है सिल्क की खेती, जिसमें लागत भी कम है और जलवायु परिवर्तन से कोई आपदा नजर नहीं आती। उसी तरीके से देश के कई जगह में लाख की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें भी जलवायु परिवर्तन का कोई खास असर दिखाई नहीं देता। खेती के कई विकल्प रूप को बढ़ावा देना जलवायु परिवर्तन की मार को झेल सकता है। जैसे सदियों से चली आ रही एक तरह की खेती को छोड़ के द्वितीय कृषि को बढ़ावा देना, इसमें मधुमक्खी पालन एक विकल्प उपाय है, जिसमें कम लागत में किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान देसी मधुमक्खी या फिर इटालियन मधुमक्खी में से कोई भी मधुमक्खी के साथ मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं। पोलिनेशन बढ़ने के कारण इससे खेत में फसल की पैदावार भी कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा पशुपालन और मछली पालन भी एक अच्छा मुनाफा का स्रोत है। दोस्तों, हाइब्रिड बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक के दौर में मिट्टी के बारे में कम ही किसान सोचते हैं और पारंपरिक देसी बीज को तो भूल ही जाओ। पारंपरिक देसी बीज जलवायु परिवर्तन जैसे आपदा को आसानी से झेल सकता है, लेकिन ये भी सच है कि उनमें पैदावार कम आते हैं, जो कई बार घाटे के सौदा बन जाता है। लेकिन एक ही फसलों की खेती बार बार ना करके ऑफ सीजन में अलग अलग सब्जियों की खेती करके इस समस्या से आसानी से छुटकारा मिल सकता है। ऑफ सीजन में सब्जियों की खेती करके किसान बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जो कि कम समय के लिए होता है, इसलिए जलवायु परिवर्तन का दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलता। हमारे देश में ये साल किसानों के लिए वरदान रहा है। जहाँ पे गर्मी के दौरान टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा था, वहीं बरसात के दौरान खीरा 70 रुपये प्रति किलो पहुँच गया था। ऐसी उछलती मार्केट रेट से कुछ किसान का भाग्य तो जरूर खुला होगा, लेकिन ज़्यादातर किसान को विकल्प के बारे में सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में स्ट्रगल और भी बढ़ेगा और मुनाफा कम होता ही रहेगा। खेती के ढेर सारे विकल्प के बारे में आपको क्या लगता है, कॉमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।